नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियंस की बिरयानी की लड़ाई। अच्छा, अगर आपको इस लड़ाई के बारे में नहीं पता, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, नॉन वेजिटेरियन से कभी भी आप बात करोगे बिरयानी के बारे में, वेज बिरयानी के बारे में स्पेसिफिकली, बोले अरे वेज बिरयानी, अच्छा पुलाव होता है वो। पर ऐसा नहीं है, अगर आप बिरयानी को बिरयानी के तरीके से बनाएंगे तो उसे बिरयानी ही कहेंगे। पुलाव एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, उसकी रेसिपी पूरी अलग है ना। अगर आप भी अपनी फेवरेट बिरयानी को मिस कर रहे हैं तो आज की मेरी स्वादिष्ट पनीर बिरयानी आपकी बिरयानी की तलब और आपकी भूख दोनों को शांत कर देगी। अगर आप भी यही समझते हैं कि वेज बिरयानी पुलाव होता है तो कृपया करके आज का मेरा वीडियो देखें, हो सकता है मैं आपकी ये सोच बदल पाऊँ। पनीर बिरयानी बनाने के लिए आप लें 5 से 6 टमाटर और उन्हें बारीक चॉप कर लें। फिर आप लेंगे 5 से 6 प्याज, उन्हें लंबा काट लें। इसमें से थोड़े से प्याज हम यूज़ करेंगे फ्राई करने के लिए और कुछ यूज़ करेंगे पनीर मसाला में। चावल के साथ बॉईल करने के लिए आप लेंगे जीरा, दालचीनी, चक्रफूल, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और तेजपत्ता। और हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट, 1.5 बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 टीस्पून जीरा। अब आप लेंगे बासमती राइस, जिसे आप 3 से 4 बार अच्छे से धोएंगे ताकि उसमें से जो एक्सेस स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। धोने के बाद आप उसे 30 मिनट तक रिंस करने के लिए छोड़ दें। अब हम राइस को बॉईल करेंगे, जिसके लिए हम पानी गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, उसको अच्छे से हीट कर लें और उसमें डालें जो हमने खड़े मसाले रखे थे राइस के लिए। थोड़ी देर उसको बॉईल होने के बाद हम उसमें जो रिंस्ड राइस है उसको डाल देंगे। उसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक वो 70 से 75% पक नहीं जाता। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चेक करते रहेंगे। ये जरूरी है हम उसे हाई हीट में करें। अब हमारा राइस एकदम तैयार हो गया है। अब उसे हम निकाल के एक छन्नी में डालेंगे ताकि उससे जो पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए। अब हम लेंगे एक पैन, जिसका बेस थिक हो और वो डीप भी हो। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, 2 टेबलस्पून उसमें डालेंगे जीरा और लाल मिर्ची। थोड़ी सी क्रैकिंग साउंड आने पे हम उसमें डालेंगे 3 ग्रीन चिली और फिर उसमें डाल देंगे हम चॉप्ड अनियंस। प्याज को थोड़ी देर पका लें।
थोड़ी देर पकने के बाद हम देखेंगे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट सा हो रहा है। फिर हम उसमें डालेंगे 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छे से उसको अच्छे मिक्स कर लें। फिर उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट जो हमने इनिशियली बनाया था। और फिर उसमें डालेंगे हम चॉप्ड टमाटोज। अच्छे से मिक्स कर लें। उसमें डालेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट हमें पकने के लिए हेल्प करता है। थोड़ी देर उसको अच्छे से पका दें और उसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून बिरयानी मसाला। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पे सुहाना का बिरयानी मसाला यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो भी है उसे यूज़ कर लें। आप यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून कैशू नट्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो भी चलेगा। फिर आप उसमें डालें 1 टीस्पून हल्दी। फिर आप डालेंगे 2 टेबलस्पून कर्ड। उसको अच्छे से पकने दें। फिर आप डालेंगे उसमें 200 ग्राम पनीर क्यूब्स। पनीर क्यूब्स को डालने के बाद आप उसके ऊपर डालेंगे वाइल्ड राइस और उसको गार्निश करेंगे धनिया के साथ और फ्राइड अनियन के साथ। आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं ऊपर। मैंने यहाँ पे कलर्ड राइस भी यूज़ किया है जो मैंने बनाया है बीट रूट के पानी से। आप भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम में कुक करेंगे और उसमें विसल नहीं लगाएंगे। हमारी बिरयानी बनके एकदम तैयार हो गई है। आप इसको दही के साथ, रायते के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। Thanks for watching my video. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मनकोटिया सब को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता रहूँ।